जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है, ये दो पक्षीय नियम लगाने के जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद से जानवरों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। देश तैयार है दीपावली मनाने के लिए, देश तैयार है त्योहारों के रंग में रंगने के लिए, लेकिन एक ब्रिगेड तैयार है त्योहारों के रंग में भंग डालने के लिए भी। वैसे तो साल भर पटाखे अलग अलग मौके पर फोड़े जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोर मचता है दिवाली के मौके पर। पटाखों की वजह से थोड़ा ही सही लेकिन प्रदूषण फैलता है, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण की सबसे ज्यादा चिंता दीपावली के मौके पर ही होती है। बस इसी चिंता पर बाबा बागेश्वर ने अपना ऑब्जेक्शन जता दिया तो मौलाना तौकीर रजा को मिर्ची लग गई। पहले सुनिए बाबा बागेश्वर ने कैसे दियो और पटाखों पर दिए जा रहे प्रदूषण वाले प्रोपेगेंडा ज्ञान पर हमला बोला। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है, ये दो पक्षीय नियम लगाने के जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। बाबा बागेश्वर की बात गलत भी नहीं, सवाल तो है कि जिन पटाखों से दिवाली के मौके पर प्रदूषण फैलता है, क्या नए साल पर वही पटाखे प्रदूषण फैलाना बंद कर देते हैं? हैप्पी न्यू ईयर बोलकर पटाखे फोड़े जाए तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन अगर हैप्पी दिवाली बोलकर पटाखे फोड़ दिया तो प्रदूषण फैल जाएगा। बाबा का सवाल ये भी कि प्रदूषण वाला सारा ज्ञान हिंदू पर्वों पर ही क्यों दिया जाता है? बकरीद पर खुले में कुर्बानी से भी प्रदूषण फैलता है, लेकिन उस पर जुबान क्यों सिल जाती है? बाबा के इन सवालों से मौलाना तौकीर रजा बौखला गए। पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद से जानवरों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तौकीर रजा सवाल उठा रहे कि बात होली दिवाली पर हो रही तो बकरीद कहां से आ गई? मौलाना तौकीर रजा भड़काते हुए लिंचिंग से लेकर बमबाजी तक पहुंच गए, पूछने लगे कि जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की? तो मौलाना साहब, बकरीद की बात इसलिए आई क्योंकि खुले में कुर्बानी से भी प्रदूषण फैलता है और उससे भी दिक्कत इंसानों को ही होती है, और बाबा बागेश्वर का गुस्सा इसलिए है क्योंकि बार बार हिंदू पर्व ही टारगेट पर होते हैं। लगे हाथ मौलाना तौकीर रजा ये भी बताते नजर आए कि दीपोत्सव कैसे मनाया जाना चाहिए। तौकीर रजा ये भी बता रहे कि दीपावली पर क्या करें क्या ना करें, लेकिन मौलाना तौकीर तो ठहरे भड़काऊ, लिहाजा इससे कहां बा जाते। तौकीर रजा ने उकसाऊ बयान देते हुए ये कह दिया कि आतिशबाजी पर बैन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पटाखे हिंदू फोड़ते हैं, मुसलमान नहीं। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? हमारे यहाँ भी शबरात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई। अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा।
तो तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर मुसलमान आतिशबाजी कर रहे होते तो इस पर कब का बैन लग गया होता। ऐसे में सवाल है कि मौलाना क्या पटाखे पर बैन सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि बात हिंदू पर्व की है और उनके हिसाब से सिर्फ हिंदू आतिशबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो नए साल के जश्न में आतिशबाजी पर रोक की मांग मौलाना ने क्यों नहीं की। सवाल ये भी कि दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी मांगने वाले मौलाना बकरीद पर चुप्पी क्यों साध रहे। ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो कांवड़ यात्रा को बर्दाश्त करने की बात करते हैं, बात बात पर मरने मारने की बात करते हैं, राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देते हैं और अब मौका दिवाली का है तो अपने भड़काऊ ज्ञान के साथ कैमरे पर जहर उगल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। फैलता है क्या नए साल पर वही पटाखे प्रदूषण फैलाना बंद कर देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोलकर पटाखे फोड़े जाए तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन अगर हैप्पी दिवाली बोलकर पटाखे फोड़ दिया तो प्रदूषण फैल जाएगा। बाबा का सवाल ये भी कि प्रदूषण वाला सारा ज्ञान हिंदू पर्वों पर ही क्यों दिया जाता है। बकरीद पर खुले में कुर्बानी से भी प्रदूषण फैलता है लेकिन उस पर जुबान क्यों सिल जाती है। बाबा के इन सवालों से मौलाना तौकीर रजा बौखला गए। पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद जानवरों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तौकीर रजा सवाल उठा रहे कि बात होली दिवाली पर हो रही तो बकरीद कहां से आ गई। मौलाना तौकीर रजा भड़काते हुए लिंचिंग से लेकर बमबाजी तक पहुंच गए, पूछने लगे कि जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की। तो मौलाना साहब बकरीद की बात इसलिए आई क्योंकि खुले में कुर्बानी से भी प्रदूषण फैलता है और उससे भी दिक्कत इंसानों को ही होती है। और बाबा बागेश्वर का गुस्सा इसलिए है क्योंकि बार बार हिंदू पर्व ही टारगेट पर होते हैं। लगे हाथ मौलाना तौकीर रजा ये भी बताते नजर आए कि दीपोत्सव कैसे मनाया जाना चाहिए। तौकीर रजा ये भी बता रहे कि दीपावली पर क्या करें क्या ना करें। लेकिन मौलाना तौकीर तो ठहरे भड़काऊ, लिहाजा इससे कहां बाज आते। तौकीर रजा ने उकसाऊ बयान देते हुए ये कह दिया कि आतिशबाजी पर बैन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पटाखे हिंदू फोड़ते हैं मुसलमान नहीं। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या। हमारे यहाँ भी शबरात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई। अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। तो तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर मुसलमान आतिशबाजी कर रहे होते तो इस पर कब का बैन लग गया होता। ऐसे में सवाल है कि मौलाना क्या पटाखे पर बैन सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि बात हिंदू पर्व की है और उनके हिसाब से सिर्फ हिंदू आतिशबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो नए साल के जश्न में आतिशबाजी पर रोक की मांग मौलाना ने क्यों नहीं की। सवाल ये भी कि दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी मांगने वाले मौलाना बकरीद पर चुप्पी क्यों साध रहे। ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो कांवड़ यात्रा को बर्दाश्त करने की बात करते हैं, बात बात पर मरने मारने की बात करते हैं, राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देते हैं और अब मौका दिवाली का है तो अपने भड़काऊ ज्ञान के साथ कैमरे पर जहर उगल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत।